हेडलाइंस आपने जानी यहाँ देंगे। आपको अफसोसनाक खबर रानीपुर से, जहाँ बच्ची के कत्ल का मामला है। वालदा की मुदैयत में मुल्ज़िम असद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DIG ने SHO रानीपुर और झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। SHO अमीर चांग, उसकी पूरी टीम और डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। SHO और डॉक्टर पर कत्ल छुपाने और कत्ल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। अहम खबर दे रहे हैं आपको रानीपुर से, जहाँ बच्ची के कत्ल का मामला है। वालदा की मुदैयत में मुल्ज़िम असद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DIG ने SHO रानीपुर और झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। SHO अमीर चांग, उसकी पूरी टीम और डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। SHO और डॉक्टर पर कत्ल छुपाने और कत्ल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। रानीपुर में बच्ची के कत्ल का मामला हुआ, जहाँ वालदा की मुदैयत में मुल्ज़िम असद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG ने SHO रानीपुर और झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। SHO अमीर चांग, उसकी पूरी टीम और डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।